तो आज किसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 12 वोल्ट की एक मोटर ले रखी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस 12 वोल्ट की मोटर को सिंपल सा आपको पता है कि 12 वोल्ट से चला सकते हो, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि इसको आप मोबाइल चार्जर से कैसे जला सकते हो। जो कि आप नॉर्मल एक मोबाइल चार्ज करते हो ना, मोबाइल चार्जर जो कि आपका 4 से 5 या 6 वोल्ट करंट देता है, तो इससे आप इसको डायरेक्ट कैसे चला सकते हो, वो भी फुल पावर में कैसे चला सकते हो, तो वही आज किसी वीडियो में आपको बताऊँ। इंटरेस्टिंग होने वाला पूरा लगता है, जरूर देखना। और चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग और यूजफुल एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ करता हूँ। आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप मोबाइल चार्जर से इस 12 वोल्ट मोटर को चला सको। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको चेक करके दिखा देता हूँ मल्टीमीटर से कि अभी कितना, देखो इस चार्जर में एक मोबाइल चार्जर से कितना यहाँ पर आपके पास करंट आ रहा था। चलो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले चेक करके मल्टीमीटर से चेक करके दिखा देता हूँ कि कितना करंट आ रहा है, उसके बाद आपको इसको चला करके भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर चलो मैं मल्टीमीटर से आपको इसको लाइव आपके सामने दिखा देता हूँ अभी कितना इस चार्जर पर करंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे मैं इसको तार यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर फाइनली आप देख सकते हो 5 पॉइंट कुछ के करीब यहाँ पर करंट आ रहा है, जो कि एक मोबाइल चार्ज करने के लिए पर्याप्त होता है। तो चलो मैं सबसे पहले आपको इस मोटर को चलाकर यहाँ पर देखते हैं कि आखिर ये किस तरीके से चल रही है या फिर इसमें और कुछ करना होगा। तो चलो देखो यहाँ पर मैं जैसे इसको कनेक्ट कर सकते हो कितना धीमा ये मोटर चल रही है, लेकिन अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो अभी मैं यहाँ पर इसमें टेप लगा के दिखा दूंगा। चलो यहाँ पर मैं टेप लगा देता हूँ, फिर आपको इसको चला करके दिखाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पर मैंने टेप लगा दिया, अब मैं फिर से इसको कनेक्ट करा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चल रही है, लेकिन लग नहीं रहा कि ये 12 वोल्ट की मोटर, मतलब 12 वोल्ट की मोटर इतना धीमा चल रही है। तो भी 12 वोल्ट का मतलब क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ कि आप इन्हीं चार्जर से, मोबाइल के ही चार्जर से कैसे आप इसकी स्पीड को 2 गुना 3 गुना कर सकते हो। तो सिंपल से यहाँ पर आपको देखो कुछ नहीं करना, आप देख सकते हो एक चार्जर की जगह यहाँ पर आपको 2 चार्जर कनेक्ट करना होगा, और इसका जो कनेक्शन होगा ना, इसको आपको सीरीज कनेक्शन करना होगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप 2 चार्जर का सीरीज कनेक्शन कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैं सीरीज कनेक्शन के बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीका होता है, एक का प्लस और एक का माइनस आपको यहाँ पर आपस में कनेक्ट कर देना है, और उसके बाद जो एक माइनस और एक प्लस बचेगा वो आपका सीरीज हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर मैं एक प्लस और एक माइनस, यहाँ पर एक चार्जर का प्लस वाला पॉइंट और दूसरे चार्जर का माइनस वाला पॉइंट देखो यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब मैं सबसे पहले आपको इसको मल्टीमीटर से चेक करके दिखा देता हूँ कि क्या ये दोनों चार्जर सीरीज में वर्क कर रहे हैं, सीरीज में काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। आप देख सकते हो दोनों चार्जर का सीरीज करने के बाद यहाँ पर दोनों चार्जर का एक साथ करंट आ रहा है, डबल करंट आ रहा है, 10 पॉइंट कुछ के करीब आ रहा है, जो कि 12 वोल्ट की मोटर को चलाने के लिए पर्याप्त है। चलो मैं अब आपको इतने करंट में आपको चला करके दिखाता हूँ कि अब ये आपका मोटर सही तरीके से वर्क करेगा, जितना तेज आपका 12 वोल्ट का मोटर चलना चाहिए। अब ये अपनी असली फॉर्म दिखाने वाली, असली अपनी पावर दिखाने वाली है। चलो मैं आपको अब यहाँ पर सीरीज कनेक्शन में इसको जोड़ देता हूँ, 2 चार्जर यूज करके सिंपल से इसको कनेक्ट करके आपको अब दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पर देखो कि अपनी यहाँ पर रियल जो आपको चलना चाहिए, जो 12 वोल्ट की मोटर जितना तेज चलना चाहिए, यहाँ पर आप देखना कि आपके सामने अब ये चलने वाली है। देखो यहाँ पर सारा कुछ रेडी हो चुका है, एक तार यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया, दूसरा तार देखो जैसे आपके सामने कनेक्ट करता हूँ, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब ये देखो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो इसकी आवाज़। सबसे पहले मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा स्पीड में चल रहा है, अगर इसको रोकने की कोशिश करें वो भी नहीं रुक रही। ये देखो सबसे पहले मैं आपको इसकी आवाज़ यहाँ पर सुना देता हूँ, ये देखो यहाँ पर आपने इसकी आवाज़ सुनी, पहले वाले में आपने देखा कितना धीमा चल रहा था, एक चार्जर से आवाज़ भी नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे यहाँ पर मैंने 2 चार्जर को कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पर 12 वोल्ट करंट जाने लगा, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्पीड में मोटर चल रही है, जितना तेज़ इसको चलना चाहिए उतना तेज़ यहाँ पर चल रही है। देखो रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर नहीं रुक रही। तो इस प्रकार आप भी आसानी से 12 वोल्ट की मोटर को मोबाइल चार्जर से चला सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग और यूजफुल एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ डेली करता रहता हूँ। चलो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।